नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीजेड। मथुरा जिला के गांव वेरी धर्मपुरा व एक दंता में प्रशासन कर रहा है किसी बड़ी घटना का होने का इंतजार। बरारी से और की तरफ जाने वाली सड़क पर पहले भी हो चुकी है कई लोगों की मौत। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक पर किया था हमला, लेकिन प्रशासन अभी भी है मौन। किसी बड़ी घटना का होने का है इंतजार। उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा में बेरी धर्मपुरा व एक दंता सहित आसपास के कई गांव के लोग मौत के पुल से होकर गुजरते हैं। यहां के पुलों की दुर्दशा ऐसी है कि कभी भी हो सकती है अनहोनी। गांव बेरी के लोगों का कहना है कि संबंधित प्रशासनिक आला अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। गाँव में बने पुल पर आए दिन कोई न कोई घटना होती रहती है, तो वहीं धर्मपुरा में भी हालत इतने भयानक है कि पहले भी वहां कई घटना हुई है। आक्रोशित ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक का घेराव कर लिया था हमला, लेकिन इतने पर भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। वहीं धर्मपुरा के पड़ोसी गांव एक दंता के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ब्रिज से गुजर रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि पुल पिछले 2 वर्ष से टूटा हुआ है, उनको अपनी जान की परवाह किए बिना ही मजबूरन टूटे हुए पुल से गुजरना होता है। और इस विषय में जिले के डीएम सहित कई आला अधिकारियों सहित ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से भी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। समाचार टू जेड के लिए मथुरा से हेमंत कटारा के साथ रोहित ओजल की रिपोर्ट। से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है। और हेलो सर, क्या नाम है आपका? अजय पाल जी, बताइए ये जो पुल है, ये शायद आपकी उम्र काफी है, ये कब से पुल यहाँ है संचालित? ये पुल तो काफी समय से है, हमको ध्यान नहीं है, लेकिन ये 3-4 साल से इसका ये टूटा पड़ा है। इसकी कई बार हम शिकायत भी कर चुके हैं, प्रशासन डीएम साहब को लिख के दिया है और सीएम साहब के पोर्टल पर भी दिया है। वहाँ से जवाब आया था कि इसका ऊपर से टेंडर हो गया है। टेंडर हो गया? हाँ, उससे लिखित में आए थे, लेकिन अभी पता नहीं है हुआ है नहीं, हमें कोई पूरी जानकारी नहीं है। आपको आश्वासन दिया था? आश्वासन दिया था कि इसका टेंडर हो गया है, जल्दी इसका कार्य चालू हो जाएगा, क्योंकि सब प्रसाद मोर रहे थे दीनदयाल धाम में। हमने उनको भी लिखित में खुशी दी, उन्होंने इसका घोषणा भी की दीनदयाल धाम में कि बेरी का पुल शुरू किया जाता है। लेकिन विकास के नाम पे यानी कि ढाक के वही 3 पात हाथ आ गए, कोई बन नहीं पाया धरा स्तर पे, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा सर, यहाँ जो सरकारी अस्पताल है यहाँ पे इतना जल भरा पड़ा हुआ है और यहाँ इतनी गंदगी है गांव में, अभी यही हम लोग जब आए के चारों तरफ जो कि अस्पताल में हमने देखा कि उसमें सुगर बात कर रहे हैं, जबकि एक इंसान को वहाँ रहना चाहिए और ट्रीटमेंट होना चाहिए, और वहाँ सुगरों को हमने घूमते देखा है और पानी भरा हुआ है। तो यहाँ के जो आम जनता है जब जो बीमारी से गुजरते हैं तो उनका इलाज कैसे होता है? एक डॉक्टर भी आते हैं और एक जो बाढ़ है वो कंपल्सरी रहते हैं, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उधर उधर से कम जाकर ज्यादा खराब कर रखा है। इस वजह से अभी एसडीएम साहब द्वारा खाली भी करवाया था उसका, पहले तो लेकिन बारिश की वजह से पानी भरा हो गया। चलो आइए हम आगे और भी कुछ यहाँ के स्थानीय बुजुर्गों से राय लेते हैं। हजारीलाल जी, ये जो पुल है ये मुद्दा जो है आपका पुल का, ये जर्जर पड़ा हुआ है, यहाँ कभी भी हादसे होते हैं या हुए हैं? रोज हुए हैं, कई दिन हुए हाथों से निकाले पूरी तरीके से, और हमारा काम तो आना जाना पड़ता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को देख ले। अच्छा, ये मुश्किल से निकाल, इस गांव में ऐसे कितने पुल और हैं? दो पुल और है जी, नहर के वो भी टूटे पड़े हुए, 4 मौत हो चुकी है। चलो आइए हम और भी कुछ लोगों से जानकारी लेते हैं। हाँ सर, बताइए सर। मेरा नाम अल्लाह वक्त है। यहाँ का माहौल बहुत ही खराब है पुल का, और यहाँ से आगे 2 पुल और है, उनके भी 4 मौत हो चुकी है आज से 2 महीने बाद पहले। अच्छा, ये जो ये रास्ता है हमने भी देखा है कि यहाँ पे बच्चों की स्कूल बस भी निकलती है, तो बरसात के मौसम में बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं? बड़ी सावधानी से निकाले जाते हैं, 2 मास्टर उधर खड़े होते हैं, 2 मास्टर उधर खड़े होते हैं, बच्चा उनको लाइन लाइन के बीच में निकाला जाता है। तो प्रशासन यानी कि प्रशासन की कोई मदद आज तक मिली नहीं? आज तक कोई मदद नहीं मिली।
यहाँ की और भी जनता से हम बात करते हैं कि उनकी क्या राय है। सर क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर इस मुद्दे? हम ये कहना चाहेंगे कि ये प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं करी है अभी तक। सब जगह विज्ञापन, सब जगह कार्रवाई करी है, कोई नहीं। वो कहते थे कि टेंडर हो गया है और बन जाएगा, आज तक बना नहीं है। इसमें रोज आदमी गिर रहे हैं और ये झूठी सके, ये विधायक और ये नेता हैं, ये सारे झूठे वादा करते थे नहीं बनेगा, मैंने कुछ करते नहीं। अच्छा, जो यहाँ के विधायक हैं उनकी क्या राय है? राजिंदर सिंह विधायक है यहाँ के, राजिंदर सिंह जो विधायक जी है, आज तक जीतने के बाद उन्होंने बेरी गांव की शक्ल नहीं देखी कि कैसा गांव है। तो आप लोगों ने तो जाके बात की? हम लोगों ने 10-20 ट्रॉली में भरभर के वहाँ जा करके डीएम साहब के यहाँ, विधायक जी के यहाँ, सभी जगह जा करके लिखित में इसकी शिकायत की है। कोई भी सुनवाई आज तक नहीं हुई है और आए दिन ये हादसा को शिकार देता है। जब हो जाए तभी ये हादसा उसका इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कब नहीं कब हो जाए। मेरी गांव का ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि मथुरा जिले में गांव होने के बाद, जो कि भगवान कृष्ण की नगरी है, यहाँ विदेशी हिंदुस्तानी सभी लोग यहाँ पर्यटन लोग आते हैं, ब्रज में दर्शन करते हैं। और ऐसे कान्हा की नगरी में आप देख सकते हैं कि कितने ही रास्ते हैं जो कि इस रास्ते हैं, ऐसे कितने पुल हैं और आए दिन यहाँ वारदात हो रही है। दो दो विधायकों की कार्य क्षेत्र है ये। पूरा प्रकाश विधायक जी उनका यहाँ से 2 किलोमीटर आगे धर्मपुरा गांव पड़ता है, जरौली गांव पड़ता है, उसकी भी ये मेन रास्ता है, उस गांव के लिए भी यही रास्ता है, उस गांव का क्षेत्र भी यही है, उनका क्षेत्र भी है इसमें। लेकिन कोई भी विधायक इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। नहीं, ये तो यहाँ की जनता ने हमें बताया है कि हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं और डीएम साहब को, सीएम साहब को, फिर भी यहाँ से 2 किलोमीटर आगे इसी स्थिति में एक पुल और पड़ा हुआ है, उसका पिछली साल अभी 1 साल बंद हुई है और 4 महीना में भाई 4 महीने पहले 4 बार उस बाइक पे 4 सवारी थी, चारों रद्द हो गए, खत्म हो गए, मैं परिवार खत्म है, उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था। विधायक जी वहाँ उस दिन आए थे। बड़े ही दुख की बात है कि योगी सरकार के सारे वादे, मुझे तो लग रहा है कि योगी सरकार के सारे वादे फीके साबित हो रहे हैं। मैं हेमंत कटारा, समाचार A2Z, रोहित ओझल के साथ। फिर से सरपंच बेरी। सरपंच जी, हाँ जी, ये जो नहर है आपकी, ये कितनी पुरानी है? ये तो बहुत पुरानी है, आज की ना हमारे बुजुर्ग ना के आगे बनी होगी। अच्छा, ये कहाँ से जुड़ती है? और गोवर्धन, ये इधर से आई है, गोवर्धन से आई है, तो पंजाब से आई है ये नदी सी। यहाँ चोरी हो गई है, हलवाना ड्रेन बना दी जी। ये पुल बहुत समय से टूटा पड़ा है, आज से नहीं, ऐसे हो गई कोई 15 साल। इसमें रोज घटना आ रही है, कोई मर रहा है, कोई पांव पैर टूट गया, किसी का बाइक रह गई, कुछ हो गया। 3 पुल है इसमें पुल तक। नहीं, हमें देखने को ये मिला है कि पुल की जो आर्थिक स्थिति है बिल्कुल झज्जर पड़ा हुआ है। या तो स्थिति खराब हो, वहाँ में तो वाहन और ये बबरी गई गाड़ी जब टूटी हो पहली बार। अच्छा, आपने इसके संबंध में किसी आला अधिकारी को सूचित कराया है? सबत कराया, परंतु यहाँ की कोई सुनवाई ना आ रही। योगी को नंबर हो, ये बाप लिखत पड़े तमें दे लिखा है, हाँ, कोई सुनवाई नहीं हुई है। पिछली वक्त में 2 घटना हुई थी यहाँ पर पूर्व प्रकाश भी आए थे, पूर्व प्रकाश हमारे प्रतिनिधि हैं, बलदेव विधानसभा से, गोवर्धन विधानसभा से तुम्हारे कारिंदा सिंह है, ये भी दोनों प्रतिनिधि कुछ भी नहीं कर पा रहे इस समय। अच्छा, तो ये गांव किसी ने गोद भी ले रखा है क्या? नहीं, ये किसी ने ले रखा है, ये किसी ने गोद नहीं लिया। क्योंकि मथुरा मंडल में जितने भी गांव हैं, तो किसी सांसद ने, किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने ज्यादातर गोद ले रखे हैं गांवों को। हमारे यहाँ का विधायक तो ये समझ लो कि किसी से कभी जीवन में दोबारा होने के चांस ही नहीं ले सकता है। ऐसी क्या कमियां हैं उन विधायकों की? ऐसी क्या क्या कमियां हैं? सारी कमियां हैं। कोई जनता से निकल के जाता है वहाँ पर, उसके बाद अर्थी लगाता है, वो कभी किसी का हाँ हाँ करता रहता है मगर कोई काम निकाल के नहीं देता है। तो ये पुल के संबंध में उसको बोला? कई बार पुल के संबंध में गए और काम भी लेके गए, कभी भी किसी काम को पूरा करके नहीं दिया।
बीजेपी से सरकार वादा तो करती है मगर दूसरी बात जो है कि आपका ये हमने रास्ते में भी आपका सरकारी अस्पताल देखा था। हाँ जी, ये चालू है यहाँ पे? ये चालू का ये कुछ नहीं है, सब घेर रखी है गाँव वालों ने, कोई चालू फालू नहीं। डॉक्टर कभी आ जाते हैं कभी एक रहता है यहाँ पर, बस एक रहता है, एक डॉक्टर रहता है। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, आवास भी बने हुए हैं इसमें रहने के लिए, कोई नहीं रहता, कुछ नहीं है। डेली खुलता तो नहीं, यानी हॉस्पिटल बंद रहता है? खुलता तो डेली है, एक रहता है वही खुलता है बस। नाम है बाबू जी? नाम बहादुर, बहादुर प्रधान प्रतिनिधि। क्या समस्या आपके गांव में? समस्या मतलब ये पुल की समस्या है, मतलब ये इधर उधर से दोनों वो पुल तो बहुत ही कमजोर हो रहा है, उसमें अभी दो तीन आदमी गिर गए। तो इसकी आपने कहीं किसी विभाग में शिकायत की है? कभी नहीं की है? शिकायत है नहीं, कोई सुना है विधायक जी ने शिकायत करेंगे और कहां करेंगे? मर जाते हैं हम 50-60 साल, दो ही सुनवाई नहीं है यार, 10-15 आदमी गिरे। यहाँ की पहले से यही बात है रही है, कोई मतलब कोई गुना है रही जो करे बरसात के बाद, बरसात कोई सुनवाई ना करे। अभी कटे बटे अधिकारी आवे जीत में दो बार बार बच्चा बनाए के पेट में पुल खराब है, लोग डूब के मर गए वहां में, कोई बगल पूरा मैं परिवार खत्म हो चुका डोर बगल में, मतलब ये दीवार फीवार भी नहीं है, चार लोग खत्म है, कोई सुनवाई नहीं आई, चार पांच तेरा आए बाकी बात निकाले गए भी, डेट बॉडी निकाली गई 8 बजे तक कम से कम। अरे उसके बाद कुछ नहीं बचा, नहीं तीसरे दिन लग रही ठीक है, उसके बाद कोई भी अतिथि आता है, कोई अनजान आता है, कूद जाओ निकाल दो उसको, पहुंचा दो, मर गया उसे घर पहुंचा दो। नहीं, ये पुल के बारे जो पुल की जो समस्या है, ये जो झज्जर हो रहा है, नीचे से ईंटें खिर रही हैं, और ये कट्टे बट्टे, ये जो आप लोगों ने कट्टे बट्टे डाल रखे हैं, तो ये क्या धस गया है पुल? ये बचने के लिए वो करा इंतजाम कर, मतलब कोई भी आदमी नहीं गिरे। अच्छा, इस इस पुल के रास्ते से क्या बच्चे स्कूल के लिए भी आना जाने का रास्ता चलता है? 24 घंटा यही रास्ता निकलने का, तो गाड़ी बच्चों की बालक साइकिल ने ले लेके गिर जाए, सब साइकिल नहीं गिरे हैं, बालक क्या अनजान बालक है, गड्ढा दिख रहा है, बारिश पड़ रही है, कट्टे लगा के मिट्टी डाल के कट्टे लगाए अनजान उंगली, कल की बात बच्चे यही पढ़ने जाए, यही साइकिल लेके नहीं गिर पड़े, पीरिन में काटे वाटे चुभ गए स्कूल के बालक, अब क्या घर में बंद रहे, घर से बाहर नहीं निकल रहे। नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम उमेश कुमार है। जी भैया आपका? मेरा नाम अनूप चौधरी है। चौधरी जी, अनूप जी, ये जो पुल है, हाँ जी, ये टूटा हुआ है और यहाँ बता रहे हैं कि हम लोगों आप लोगों ने लट्ठा वगैरह लगाया है इस पर, तो ये कब टूटा है और कितना समय हो गया और इसकी आप कहाँ कहाँ शिकायत कर चुके? जी सर, शिकायत मैंने की है और ये शिकायत साहब हम बहुत दूर तक माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी को दे चुके हैं, 4 रिपोर्टें हैं जो हमने पास रखी हुई हैं अभी वर्तमान में, जी वो योगी जी के लिए डाल दी हमने, ऑनलाइन शिकायत भी कर दी है सर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, डीएम साहब के पास हमने लिखित में दी है सर, एसडीएम साहब के पास दी है, तहसील माननीय तहसीलदार साहब की जी के पास दी है, और हल्का पटवारी भी यहाँ पर आए, उन्होंने उनको भी हमने शिकायत की, बन साहब हमारा पुल टूटा हुआ है, इसको 1.5 साल हो गए सर, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, हमारे पास कम से कम 20 शिकायत रखी हुई है सर, लेकिन हमारी सर किसी ने सुनवाई नहीं की, डीएम साहब बोलते हैं, सिंचाई विभाग ने सिंचाई विभाग के लिए बोल देते हैं और कोई किसी के पास बोल देता है सर, लेकिन तो वाले बोलते हैं पीडब्ल्यूडी कराएगा, पीडब्ल्यूडी बोलते हैं सिंचाई विभाग कराएगा, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, सुनवाई नहीं, 1.5 साल हो गए, सर हमारे यहाँ पर घूम के छोटे छोटे बालक हैं जो पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके लिए कितनी समस्या है, कम से कम 5 किलोमीटर का फेल लगता है, हमारे यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो भी पढ़ने में असमर्थ हो जाती है, क्योंकि गांव में प्राथमिक विद्यालय है न, उनके लिए कोई सुविधा है सर। बहुत बढ़िया, कहना चाहेंगे? न सर, यही है कि हमारी ये जो हमारी सुनवाई हो और आगे के लिए जो इसके लिए कार्रवाई हो और इसका काम निर्माण किया जाए, और कुछ नहीं जी है। जी सर, 1.5 साल हो चुके हैं, इनके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, हम खुद में शिकायत दे करके खुद आया हूँ सर, मेरे पास शिकायत रखी हुई है लेकिन उनका कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन उनके उनकी कोई डीएम साहब के पास बोला है, ऊर्जा मंत्री जी हमारे यहाँ कम से कम 4 बार आ चुके हैं मथुरा में, हम लेके हमने उनके लिए बोला है लेकिन उन्होंने नहीं कराए, लेकिन हमको अगर वो ये कहें हमारे पास शिकायत चाहिए तो, लेकिन मेरे पास शिकायत के साक्ष्य भी हैं,
जी सर, वो ये बोले कि मैं कहाँ से कहा दिया आपकी, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनी नहीं सर, हम क्या करें। हमारे गांव के जो प्रधान है वो भी सुनवाई नहीं करते। प्रधान जी साहब हमारे भाजपा का नेता बन करके डोलते हैं, मैं भाजपा का हूँ, आरएसएस से हूँ, ये हूँ वो, लेकिन प्रधान भी अरे हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, डेढ़ साल प्रधान के भी हमने बनवाई, ऐसा हो आप प्रधान हो हम गाँव वाले को साथ लेकर के चलो, प्रधान भी नहीं सुनते हमारे साथ। प्रधान जी भी आपकी बात ठुकरा देते जी सर, हमको डेढ़ साल हो गए उनसे बोलते बोलते। चलो हम प्रधान जी से भी बात करते हैं कि प्रधान जी की इसमें क्या राय है। बिल्कुल जी सर, प्रधान जी से हमने बोला सर ऐसा। अच्छा, जो आपके विधायक जी हैं पूरन प्रकाश जी, जी सर उनके पास कम से कम 20 बार तो मैं होकर के आया हूँ, मैं अपने खुद जेब से पैसा, लेकिन प्रधान विधायक जी चुनाव से पहले तो आते हैं भाई साहब जी हाथ जोड़ के कहते हैं, हमारे लिए उनका पुत्र भी आया अनूप, जो उनका बेटा है अनूप वो भी आया, हमने सबसे पहले इसी का मुआयना कराया, वन देखो भाई हमारी पुलिया क्षतिग्रस्त है, न जाने कब हादसा हो जाए, लेकिन सर हादसा होते होते बच गया और पुलिया टूट गई, लेकिन प्रधायक जी ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की। इसमें कई बार तो जो आते हैं जो पशु होते हैं पशु भी कूद जाते हैं, कई बार गिर गए इनमें सर, कम से कम दो गाय की तो टांगे टूट गए, उनके लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, उनकी सेवा करनी पड़ी जब जा करके उनके उसान तो मिले, लेकिन सर अब ये बताओ अब ये गांव वाले बालक जाए तो जाए कहाँ पर सर पढ़ने के लिए। मामला यह है कि हमारे बरारी से बरारी मार्ग SN2 से लेकर बरारी रोड के लिए या भरतपुर के लिए सीधा रोड गया है, इस पर एक अंडरपास थाना समसा बात पर उस पर करीबन 50 गांव लगते हैं, उस पर बरसात के महीने में तो निकलने के लिए मुश्किल हो जाता है, गांव की जनता बाहरी परेशान अत्यंत ज्यादा परेशान रहती है। अब आप जाएं तो आप अगर जा सकते हो तो इसी रास्ते से बरारी होकर निकलना, तो आप बाइक लेकर निकल सकते हो, इससे तो पहले ही अच्छा था। तो इसके लिए आप कहाँ कहाँ शिकायत कर चुके हैं? विधायक सांसद सभी के लिए हम रेलवे विभाग के DRM वगैरह को लिखित में दे चुके हैं, रेल भी रोकी थी, सब काम कर, लेकिन आश्वासन दिया जाता है कि होगा, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। यानी कि काम के नाम पे अंडरपास बनाई गलत है, वहाँ पर हो गए बम्बा निकलता है, बम्बा से पानी का रिसाव होता है, किसी समय उसमें पानी बंद ही नहीं रहता है, अब तो बरसात है, गर्मी हुआ जाड़े हुए, हर समय कम से कम 20 किलोमीटर फेर खा के टोल देते हुए जनता को आना पड़ता है। ठीक है सर, आपकी बात होना बोल रहे। क्या नाम है? नाम मेरा ओम प्रकाश है। क्या मामला है? हमारे गाँव में पानी खारी है, इधर एक छोटी सी टंकी बनी हुई है हमारे गाँव में, इससे पानी की बहुत परेशानी होती है, गांव में बारिश का समय है बहुत ज़्यादा परेशानी होती है रास्ताओं पे, इधर पुल भी है, हमारा पुल भी बहुत ख़राब है, पानी के लिए हम यही चाहते हैं कि बहुत अच्छी टंकी बने, मंजूर हो गई है टंकी लेकिन आ नहीं रही है, इधर पैसा आ नहीं रहा है इसका, तो इसलिए हम यही चाहते हैं हमारे लिए गाँव में जल्दी टंकी बने और पानी की व्यवस्था, पानी का समाधान होना चाहिए इधर। अच्छा, हालांकि छोटी टंकी बनी हुई है लेकिन आज पूरे गांव में पानी नहीं पहुंच पाता है, उससे पानी नहीं आता है, आधे गांव रह जाता है, आधा गांव पानी पहुंच जाता है।